भोजन संवाद में आज हम बातचीत करेंगे देश के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 1942 के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की, शिरकत की, जेल में रहे और उसके बाद में जब देश के अंदर तानाशाही लादने का काम इंदिरा गांधी ने किया तब भी 19 महीने वो जेल के अंदर रहे। देश भर में अपने रचनात्मक कार्यों को लेकर के यूसुफ मेहरली सेंटर के मुखिया होने के नाते जाने जाते हैं, जिसकी 11 राज्यों के अंदर इकाइयां काम करती हैं। वे कल 100 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और उसके लिए आज बड़ा कार्यक्रम एक यूनिवर्सिटी के अंदर रखा गया है और हम उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर जी पारिक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने 42 के बाद से लेकर के अभी 2024 तक की पूरी दुनिया आपने देखी है, आपको अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे कहूं तो पॉलिटिक्स के अंदर क्या अंतर आपको दिखलाई पड़ता है जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में जो फर्क है ये कहने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने उस ज़माने में इस देश को जिस तरीके से इमेजिन किया था उस तरीके का देश आज़ादी के बाद शुरू से ही बना नहीं ऐसा मेरे जैसे काफ़ी लोगों को लगता है। जैसे कि मैं जो एक आध दो एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हमको ये कहा गया था नेताओं ने, खासतौर से गांधी जी ने हमको ये कहा था कि नया शासक सेवक बनेगा समाज का और वो नहीं हुआ। यानी मेरे जैसे आदमी को या हजारों लोगों को उस दिन से ऐसा लगने लगा था कि हम जो हमारे पुराने मालिक थे उनका अनुकरण कर रहे हैं और इतिहास में हर क्रांति में क्रांति करने वाले लोग जिसको रिप्लेस करते उसका अनुकरण करते हैं, हमारे यहाँ भी वही हुआ ऐसा काफ़ी लोगों को लगने लगा। ये एक है। दूसरी चीज़ जो मैं बार बार अपने आप को कहता हूँ ये कि जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में कुछ नहीं किया और एक अलग तरीके की समाज बनेगा या देश बनेगा, उन विचार के लोगों को हमारे ऊपर लादने का काम हमने किया ऐसा कभी कभी लगता है। यानी वो जैसे गांधी जी के शब्दों में कहें तो ब्रिटिश ने हमारे हाथ से स्वतंत्रता छीनी नहीं, हमने उनको दे दिया सिल्वर प्लेटर पर। मुझे भी लगता है कि अगर ये नए लोग 2014 से हमारे ऊपर हावी हो गए हैं तो उसकी जिम्मेवारी उनसे ज़्यादा हम पर है। ऐसी एक गलत एक फीलिंग हमेशा मेरे में रही है। उसकी वजह से एक चीज़ हो रही है, वो ये है एक किस्म का अपराध बोध या गिल्ट फीलिंग मुझको रही है और इस वजह से मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। एक है, मैं फिर भी इस उम्र में भी सोचता हूँ कि ये देश जिस देश को आज़ादी के आंदोलन ने नए विचार दिए, जिस देश को जमाने के नेताओं ने जो विचार दिए, उस देश को आज जो नए लोग आए हैं वो बदल नहीं सकते हैं। ये लोग थोड़े दिन के लिए सफल हो जाएंगे, किसी जिस तरीके से जर्मनी में जूस को अदराइज करके जो कुछ हो और वो सफल रहे लेकिन बाद में फेल हो गए, वो होने वाला है ऐसा मैं मानता हूँ। एक सवाल ये है कि उस ज़माने में, यानी जब मैं 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का
17 साल का था तब जो वातावरण था वो वातावरण अभी तक दिखाई नहीं देता है। हर एक मेरी जैसी उम्र का आदमी जेल में जाने के लिए तैयार था, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार था और जो विचार हमको दिए जाते थे उसके मुताबिक जीने के लिए तैयार था। आज उस किस्म का वातावरण जो बनना चाहिए था अभी तक बना नहीं है, लेकिन मेरे जैसे आदमी को लगता है कि बनेगा ही। जिस देश के अंदर जिस किस्म की आज़ादी की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक नई किस्म का वातावरण बना, वो देश कभी भी जो आज हो रहा है उसको ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से नीचे से आवाज़ उठेगी। सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो लोग आज जिसके ऊपर या जिनके चरित्र के ऊपर चींटे नहीं है, उन लोगों को आगे आकर के कुछ करना पड़ेगा, नेतृत्व देना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों के काफ़ी लोग का चरित्र इतना बिगड़ गया है कि वो इस किस्म की का नेतृत्व नहीं दे पाएंगे। तो मेरा जैसा कभी कभी ऐसा सोचता है कि नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा, नौजवानों को हमारे जैसे ज़माने में हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार थे उस तरीके से जेल में जा